नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के अध्याय 3 के दूसरे भाग में अपने आज विश्व में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है, कौन से महाद्वीप के पास कितनी मात्रा में कौन सा खनिज उपलब्ध है, कौन सा महाद्वीप किस खनिज की संपदा में कितना धनाढ्य है, उसके पास कितना उस खनिज का भाग है, उन सब चीज़ों के बारे में अपने बात करेंगे। नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा खनिजों का उपयोग और खनिजों का संरक्षण। सबसे पहले क्या है, अपने शुरुआत करते हैं एक साधारण या आसान टॉपिक से, खनिजों का उपयोग। देखिए, पाठ की स्टार्टिंग में बताया था कि खनिज संसाधन जो है वो ऐसा संसाधन है जो बाकी संसाधनों के साथ जोड़कर अपने एक उपयोगी चीज़ या वस्तु का निर्माण करने के लिए धातु के रूप में, आभूषण के रूप में या अन्य प्रकार के जो भी चीज़ें हैं जिनसे मशीनें बनती हैं या अलग अलग प्रकार के गैजेट्स बनते हैं, उन सब चीज़ों में क्या है, धातु के रूप में या अधातु के रूप में किसी न किसी रूप में ये खनिज क्या हैं, काम में आते हैं। तो देखते हैं कौन सा खनिज किस प्रकार से उपयोगी है। जैसे खनिजों का उपयोग जो है वो कई उद्योगों में होता है। पहला उपयोग क्या है खनिजों का, उद्योगों में उपयोग होता है। देखो, इस्पात उद्योग है, वहाँ इस्पात बनाया जाता है, लोहे के साथ कई और धातुओं का मिश्रण करके क्या है, इस्पात बनाया जाता है। तो इस्पात बनाने के लिए, इस्पात क्या है, एक प्रकार से ऐसा लोहा होता है, लोहे के साथ मिलाने, कुछ धातुओं मिलाने के बाद क्या है, इस्पात का निर्माण होता है, जो क्या है, जिस पे जंग लगने की मात्रा कम होती है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है और ज़्यादा लंबे समय तक यह क्या है, सही रह सकता है, मजबूत रह सकता है। तो इसके लिए क्या है, एक तो लोहा सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया, लोहा या लोह ऐशक जो है, या लोहा ऐशक एक प्रकार से बहुत उपयोगी क्या हो गया, संसाधन हो गया इस्पात उद्योग के लिए। ये जितने भी उद्योग हैं उन सभी में क्या है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो मशीनें क्या हैं, अलग अलग धातुओं से बनती हैं। तार है बिजली के जो उपयोग में किए जाते हैं, उनमें तांबे के तार डाले जाते हैं, सिल्वर के तार डाले जाते हैं, तो वो भी क्या है, धातु या एक प्रकार से खनिज के रूप में हमारे लिए काम में आ रहे हैं। तो पहली बात तो हो गई कि उद्योग के रूप में क्या है, खनिज काम में आते हैं। सेकंड बात जो है वो रत्नों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो खनिज क्या होते हैं, कठोर होते हैं, वो रत्नों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पहली तो विशेषता क्या होगी, कठोर खनिज जो हैं जिनकी अवस्था कैसी होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है, जिनको तोड़ने से, गलाने से, उनको किसी भी आकार में ढालने से वो टूटते नहीं हैं, मजबूत धातु होते हैं, वो क्या होते हैं, रत्नों के रूप में काम में आते हैं। धातु या अधातु किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे हीरा है या सोना, इस प्रकार के जो बहुमूल्य खनिज हैं या जो क्या है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, कठोर होते हैं, रत्नों के रूप में क्या है, ये काम में लिए जाते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। आभूषण बनाने के लिए क्या है, कई प्रकार की शैलियों से इनको जड़ दिया जाता है, ताकि इनकी सुंदरता में क्या है, बहुत ही इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। तांबा एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर क्या है, हर वस्तु बनाने के लिए। तांबे का उदाहरण लेके देखते हैं अपने, तांबे का उपयोग सिक्का बनाने के लिए, किसी समय में तांबे का सिक्का बनाया जाता था। आपने सुना होगा या देखा होगा कि लोग किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो नदियों में या कुएं वगैरह में क्या है, सिक्का डालते हैं। तो वो उस समय की प्रथा इस कारण से थी कि सिक्का डालने से शायद कोई इच्छा पूरी होती होगी या नहीं होती होगी, लेकिन उसके पीछे कारण ये था कि उस समय सिक्के जो होते थे वो तांबे के होते थे, और वो जब तांबे का सिक्का होता था वो पानी को शुद्ध करने के लिए काम में आता था, उससे पानी को नुकसान नहीं होता था। लेकिन ये प्रथा ज्यों की त्यों आज बनी रही, लेकिन जो सिक्के हैं वो शायद लोहे के या सिल्वर के बनाए जाने लगे, जिसके कारण वो जलीय स्रोत भी क्या है, एक प्रकार से खराब होता है। अभी देखिए, तांबा क्या है, एक ऐसा धातु है जिसका सिक्का बना सकते हैं या पाइप बना सकते हैं, तार भी बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, यानी बहुत सारे उपयोग हैं। एक ही धातु है लेकिन इसके क्या हैं, उपयोग बहुत सारे हैं, जिसके कारण क्या है, ये एक प्रकार से बहुत ही उपयोगी धातु के रूप में साबित होता है, या अन्य धातुओं के साथ मिलाकर
क्या है, अन्य धातुओं का निर्माण भी किया जाता है, यानी इसको टीन वगैरह से मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, ये और भी ज़्यादा उपयोगी धातु हो जाता है तांबा। पुरानी जो विरासत या सभ्यताएँ थी वहाँ पर भी क्या है, तांबे का उपयोग बहुत तरीके से किया जाता था, औजार के रूप में या हथियार के रूप में। आज भी क्या है, हथियारों में तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, तांबा तो क्या है बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य या एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी क्या है संसाधन और खनिज के रूप में विद्यमान है हमारे पास। अब देखिए, इसके अलावा कंप्यूटर में क्या है, सिलिकॉन, कंप्यूटर में क्या है सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन के द्वारा उसके जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह हैं उनको बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो सिलिकॉन क्या है, क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है, और यह भी क्या है एक प्रकार से खनिज है। दोनों ही क्या है खनिज है, सिलिकॉन भी है और क्वार्ट्ज भी है, ठीक है। उसी तरह से क्या है, एल्यूमिनियम जो क्या है बॉक्साइट से प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम यह क्या है एसक से प्राप्त होता है बॉक्साइट के, बॉक्साइट। और एल्यूमिनियम का भी प्रयोग क्या है बर्तन बनाने के लिए, बोतल बंद उद्योग के रूप में, बोतल बंद के उद्योग के लिए, उद्योग के लिए, या हवाई जहाज, हवाई जहाज दरवाजे, खिड़कियां या घरेलू जो भी चीज़ें बनती हैं उसी उन चीज़ों में क्या है इसका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम का भी। एल्युमिनियम भी क्या है एक बहुत ही उपयोगी धातु है। ऑटोमोबाइल में इसका उपयोग किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रसोई की चीज़ें जो बनती हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह साबित होता है कि ये सारे के सारे जो खनिज हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा उपयोगी हैं। हमारे आसपास की जो यूजेबल वस्तुएं हैं जिनका उपयोग करके अपने हमारे दैनिक जीवन को और ज़्यादा आसान बनाते हैं, उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए इन्हीं खनिजों का इस्तेमाल अपने करते हैं, और आज से नहीं करते आ रहे हैं। मानव अपने जीवन की शुरुआत से, जिस समय मानव सभ्यताएँ शुरुआत हुई थी उस समय से लेकर आज तक जो मानव है वो इस प्रकार के धातुओं का उपयोग करना सीखा है, और उसने आज तक वो उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी जो अपना लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपने खनिजों का संरक्षण, उसके अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मानव अपने लालच के कारण इसका दुरुपयोग या बहुत ज़रूरत से भी ज़्यादा उपयोग कर रहा है। उससे पहले क्या है अपने थोड़ा विश्व के भ्रमण के ऊपर चलते हैं, जिसमें क्या है कि कौन से देश के पास या कौन से महाद्वीप के पास खनिजों की कितनी मात्रा है, या किस प्रकार के खनिजों के वो धनी हैं, या किस महाद्वीप में कितनी मात्रा में कौन से खनिज विद्यमान हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे एशिया, सबसे पहले सबसे एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया क्या है, लौह अयस्क का एक बहुत ही बड़ा उत्पादक देश है, या यह कह सकते हो विशाल लौह अयस्क निक्षेप क्या है भारत के अंदर और चीन के अंदर प्राप्त होते हैं। भारत और चीन के अंदर लौह अयस्क, लौह अयस्क निक्षेप प्राप्त होते हैं विशाल मात्रा में, निक्षेप प्राप्त होते हैं, यानी लौह अयस्क का क्या है एक प्रकार से इनके पास अच्छी मात्रा में विद्यमान है। इसके अलावा
यह महाद्वीप क्या है, विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। टीन धातु जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा एशिया के पास है, यानी आधे से, विश्व के आधे से अधिक उत्पादन टीन का एशिया के अंदर होता है। टीन भी क्या है, एक महत्वपूर्ण धातु है, जिसका क्या है सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। इसके अलावा इसके पास चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व में क्या है अग्रणी टीन उत्पादक देशों में है, यानी ये टीन उत्पादन में सबसे आगे जो देश हैं वो कौन से हैं, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये देश टीन के उत्पादन में सबसे आगे श्रेणी में मौजूद हैं। चीन के अंदर सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन भी अग्रणी है। इसके अलावा एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जस्ता, तांबा के निक्षेप हैं। मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा या निकेल, जस्ता, निकेल, जस्ता के क्या हैं निक्षेप मौजूद हैं एशिया के अंदर। इसमें क्या है, चीन बहुत ज़्यादा धनी देश मालूम पड़ता है एशिया के अंदर खनिजों के मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं सबसे सुंदर कहे जाने वाले महाद्वीप के पास, यूरोप। यूरोप महाद्वीप क्या है, लोहे अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। सेकंड अपना कौन सा है, यूरोप। अब देखिए एक डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको, यहाँ भारत और चीन क्या है बड़ा विशाल भंडार है, निक्षेप के रूप में मौजूद है, यानी बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में प्राप्त होता है, एक विशाल भंडार नहीं प्राप्त होते हैं, जिसके कारण ज़्यादा उत्पादन नहीं होता, जिसके कारण क्या है इस यहाँ ज़्यादा उत्पादन नहीं होता। लेकिन यूरोप के पास क्या है, लोह अयस्क, अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक उत्पादक राष्ट्र है, सॉरी महाद्वीप। नेक्स्ट चलते हैं इसी के क्या है, रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहे अयस्क में क्या है विशाल निक्षेप वाले देश हैं, यानी लोहे अयस्क के लिए रूस, फ्रांस क्या है विशाल निक्षेप मौजूद हैं यहाँ पर। यूक्रेन, स्वीडन, यूक्रेन, स्वीडन में निक्षेप मौजूद हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि यहाँ पर कौन से अन्य क्या है खनिज पाए जाते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, यह भी क्या है यहाँ पर पाए जाने वाले, तांबा, जस्ता, मैग्नीज यहाँ पाए जाने वाले क्या हैं अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिसमें पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में मैग्नीज और निकल और तांबा के क्या हैं, यूरोपीय रूस या पूर्वी यूरोप में क्या है इनके विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। यूरोप के पास बात चलते हैं अपने उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में देखिए यहाँ पर तीन भाग हैं, कनाडियन सिल्ड प्रदेश, कनाडियन पहला भाग है, कनाडियन
सिल्ड प्रदेश, दूसरा है अल्पेशियन पर्वतमाला का जो प्रदेश है अल्पेशियन प्रदेश वह है, और तीसरा भाग जो है वह होगा पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, या जिनको पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं, पश्चिमी कार्डिलेरा। यह क्या है, दक्षिणी सॉरी उत्तरी अमेरिका के तीन मुख्य खनिज उत्पादक भागों में मेन है, जहां अल्पेशियन प्रदेश में क्या है कोयले के बहुत अच्छे भंडार हैं, यहां कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं। इसके अलावा पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, तीसरा भाग क्या है यहाँ से कराते हैं, तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी आदि क्या हैं यहाँ पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। वहीं जो सबसे पहले कनाडियन सील्ड प्रदेश है, वहाँ लोहे, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा, लोहे, निकेल, तांबा या सोना, यूरेनियम पाए जाते हैं। पहले के यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूरेनियम भी पाया जाता है, लोहा, निकल, यूरेनियम और तांबा यहाँ पर बहुमात्रा में पाया जाता है। ये तीन भाग हैं उत्तरी अमेरिका के, जहाँ पर खनिज बहुत अच्छी मात्रा में विद्यमान हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने इसी के नीचे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अंदर, दक्षिणी अमेरिका के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है लोहे ऐशक विद्यमान है, लोहे ऐशक जो है वो विद्यमान है इसके ब्राज़ील में, लोहे ऐशक, और वो भी उच्च कोटि का, उच्च कोटि का लैश लोहे ऐशक विशाल मात्रा, या आप कह सकते हो सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखिए डिफरेंस होगा, यह सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप है और सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील। अभी देखते हैं नेक्स्ट इसी के अंदर कि और कौन कौन से देशों में इस प्रकार के विद्यमान है खनिज। चिली और पेरू में क्या है तांबे में अग्रणी है, चिली पेरू जो देश है वो तांबा उत्पादक में अग्रणी राष्ट्रों में अपना नाम लिखवाते हैं या वो उनमें मौजूद हैं। ब्राज़ील बोलिविया विश्व के टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में है, यानी ब्राज़ील और बोलिविया में टीन भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, यानी चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया के बाद यही क्या है अच्छे उत्पादक हैं टीन के। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एबस्टोस, हीरा के विशाल निक्षेप हैं, यानी लगभग सारे खनिज यहाँ पाए जाते हैं, सोना, चांदी, अब्रक, यहाँ तक कि हीरा के, हीरों के भी क्या है विशाल भंडार यहाँ पर है। इसके अलावा जस्ता क्रोमियम या फिर क्या है मैग्नीज, बॉक्साइट, प्लेटिनम, मैग्नीज,
बॉक्साइट, प्लेटिनम, भी यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, यानी बहुत अच्छे भंडार हैं यहाँ पर इनके भी। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका क्या है, खनिज संसाधनों में धनी महाद्वीप है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी महाद्वीप है। इसमें क्या है, हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। हीरे के लिए हीरा, सोना और प्लेटिनम, यानी महंगी जो धातु है उसके लिए सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका है। उत्पादक सबसे महंगी धातुएं जो हैं वो अफ्रीका के अंदर प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज से भी यह संपन्न है। या दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका, जायरे, जिम्बाब्वे में सोना अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। लोहा, अयस्क, तांबा, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। यानी दक्षिणी अफ्रीका में क्या है, तांबा, क्रोमियम, बॉल्ट या अयस्क, लोहा, अयस्क, कोबाल्ट, बॉक्साइट भी पाए जाते हैं। तेल के लिए नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला है। नाइजीरिया, अंगोला क्या है, तेल में अग्रणी अंगोला क्या है, तेल के अच्छे उत्पादक राष्ट्र हैं अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट अपने चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, बहुत अच्छी मात्रा के क्या है, बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह है बॉक्साइट का, बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप बॉक्साइट के लिए कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात करते हैं, सोना, हीरा, लोहे, अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। निकेल, टीन, सोना, हीरा या लोहे, अयस्क, लोहे, अयस्क का भी यह क्या है, अग्रणी उत्पादक महाद्वीप हैं। इसके नेक्स्ट अपने बात करते हैं तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज से भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालीगुली और कुलीगार्डी सोने में क्या है, सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं कुलीगार्डी के अंदर। कुलीगार्डी में सोने के निक्षेप यानी पतली परत के रूप में जहां खनिज विद्यमान होता है वो क्या है, निक्षेपीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, देखिए इसके बारे में क्या है, जो वैज्ञानिक हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं इसके क्या है, एक तो ट्रांस ऑर्कटियन पर्वत में कोयला और प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट क्या है, यहाँ ट्रांस ऑर्कटियन में तो कोयला विद्यमान है और प्रिंस चार्ल्स पर्वत में के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप प्राप्त होते हैं, और लोहे के निक्षेप प्राप्त होते हैं, दो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जहाँ पर वहाँ इस प्रकार की ये प्राप्त होते हैं। इसके अलावा लोहे, अयस्क, सोना और चांदी तेल के वाणिज्यिक मात्रा में विद्यमान हैं। सोना, चांदी, लोहे, अयस्क,
लोहे, ऐशक और तेल वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। वाणिज्यिक मात्रा का मतलब हो गया कि इतना ज़्यादा मौजूद है जिसका व्यापारिक के रूप से भी क्या है, महत्व बनता है। तो अभी क्या है, हमने सभी महाद्वीपों में कौन कौन से खनिज विद्यमान हैं उनके बारे में देखा। एक बार नज़र लगा देते हैं इन पर कि एशिया में चीन, भारत के है लोहे ऐशक के यहाँ बड़े निक्षेप प्राप्त होते हैं। टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन कौन से देश हैं, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया के कारण एशिया सबसे बड़ा उत्पादक है टिन का। मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, निकेल, जस्ता के निक्षेप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट यूरोप में क्या है, लोहे ऐशक का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है। इसके अलावा रूस, फ्रांस, यूक्रेन, स्वीडन में निक्षेप पाए जाते हैं लोहे ऐशक के। तांबा, जस्ता, मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं रूस के अंदर, यानी यूरोपीय रूस के अंदर। उत्तरी अमेरिका में कनाडियन शील्ड प्रदेश में लोहा, निकल, यूरेनियम, तांबा पाए जाते हैं। अल्पेशियन प्रदेश में कोयला पाया जाता है। तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी पश्चिमी कार्डिलेरा में पाया जाता है, प्राप्त होता है। दक्षिण अमेरिका में लोहा ऐशक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है उच्च कोटि का लोहा ऐशक जहाँ प्राप्त होता है ब्राज़ील। चिली, पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील, बोलिविया में टिन भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। सोना, चांदी, अभ्रक, हीरा, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, प्लेटिनम क्या है, यहाँ अन्य प्राप्त होने वाले खनिज हैं। अफ्रीका हीरा, सोना, प्लेटिनम सबसे महंगे जो धातु हैं उनका सबसे बड़ा उत्पादक है अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिणी अफ्रीका, जोएरे, जिम्बाब्वे सोने के बड़े उत्पादक हैं। नाइजीरिया, अंगोला में क्या है, तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा निकेल, टिन, सोना, हीरा, लोहे ऐशक क्या है ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त होता है। कुलगर्डी में क्या है, सोने के निक्षेप भी पाए जाते हैं। अंटार्कटिका, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, लोहे ऐशक और तेल क्या है अंटार्कटिका में प्राप्त होते हैं। यहाँ कोयला और लोहा क्या है, दो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, एक तो प्रिंस चार्ल्स पर्वत श्रृंखला और एक आर्कटियन पर्वत श्रृंखला, वहाँ कोयला और प्रिंस चार्ल्स में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है खनिजों का संरक्षण, उसके लिए एक बात बता देता हूँ कि मैं खनिज जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, इनका क्या है पुनः उपयोग किया जाना चाहिए, इनका पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए क्या है, एक चीज़ बनाते हैं अपने तो अनवीकरणीय संसाधन हैं और इनका क्या है हज़ारों सालों में, इनको बनने के लिए क्या है हज़ारों सालों का समय चाहिए होता है, तब जाके ये खनिज उस रूप के अंदर मौजूद होते हैं या उस रूप के को प्राप्त करते हैं जिस रूप में आज हम इनको उपयोग में ले रहे हैं, या जो हमारे लिए क्या है उपयोगी रूप है इनका, उस रूप में हज़ारों वर्षों में जाकर यह क्या है संगठित होते हैं। इसके अलावा इनको क्या है पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग के द्वारा या फिर कम प्रयोग के द्वारा हम आज के लिए और नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट पीढ़ी है, उसके लिए भी बचा के रख सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें आज हमें ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत क्या है नेक्स्ट पीढ़ी को, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यह क्या है पहली बात की अनवीकरणीय है या दोबारा बनते हैं तो हज़ारों सालों का समय लगता है, हज़ारों वर्षों का समय चाहिए होता है। और नेक्स्ट क्या है, मानव इनको बर्बाद करेगा तो दोबारा प्राप्त करने के लिए यह क्या है पृथ्वी हमें हाथों हाथ इनकी उपलब्धता नहीं कर पाएगी। प्रकृति का जो संचालन है वो प्रकृति अपने अनुसार करती है, तो हमें प्रकृति के अनुसार क्या है उसका सीमित उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए यानी दोबारा उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए और कम उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। तो
यह पार्ट अपना यहाँ ख़त्म।